शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 पीएम पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको 5 पीएम के 5 का तड़का में बिहार के टॉप 5 फेमस फूड के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 पीएम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। यदि आप डेली के वही दाल भात रोटी सब्जी और बाहर का जंक और फास्ट फूड खा कर उब चुके हैं, तो एक बार आप बिहार के फेमस फूड को भी ट्राई करें। यकीनन आपके मुंह का टेस्ट बदलने में देर नहीं लगेगी। फिर आप यह कहते नहीं अघाएंगे कि बिहार के टेस्ट का कोई जोड़ नहीं। ऐसे में आज 5 पीएम के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 फेमस फूड के बारे में जानकारी देंगे, जिनकी पहचान अब प्रदेश की सीमा को लांघकर देश विदेशों में पहुंच गई है। यूं कहें कि ये वैश्विक हो गई है। काउंटडाउन पर 5वें नंबर पर पीठा है। बिहार के 5 फेमस फूड की लिस्ट में हमने पिट्ठा को शामिल किया है। यह कई प्रकार से बनाए जाते हैं, खासकर पूस माह में पिट्ठा खाने का प्रचलन है। यह मीठा और नमकीन दोनों तरह से बनाया जाता है। इसे घर में बनाना बेहद आसान है और यह हर उम्र के लोगों को खूब पसंद आता है। दरअसल पिट्ठा चावल के आटे से बनाया जाता है और इसके अंदर दाल भरी जाती है। इसे दाल पिट्ठा कहते हैं। इस तरह तीसी या पोस्ता दाना वाला पिट्ठा भी बनाया जाता है। कहा जाता है कि ठंड के मौसम में तीसी का पिट्ठा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। तीसी को गाँव में चिकना भी कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी में आप इसे फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानते होंगे। तीसी के कई फायदे हैं। यह फाइबर, मिनरल्स, ओमेगा 3, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी काफी बढ़ाता है, इसलिए तीसी का पिट्ठा खाने का प्रचलन अधिक है। इसके अलावा पिट्ठा गुड़, खोआ, बादाम, नारियल आदि भरकर भी बनाया जाता है। पिट्ठा के अलावा इसे फरा, बगिया और गोझा नाम से भी जाना जाता है। खास बात कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस कोरोना काल में भी पिट्ठा का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। अब बात नंबर 4 की। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हरा चना है। यह भी जाड़े के मौसम में आता है। दिसंबर की शुरुआत से इसकी बिक्री शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो यह 2000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है। बाद में इसके दाम में लगातार गिरावट आते जाती है। फिर 150 से 200 रुपए प्रति किलो पर इसकी बिक्री होने लगती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सब्जी या फिर छोला बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसे कच्चा उबालकर या फिर भूनकर भी खाया जाता है। हरे चने में प्रोटीन, मॉइस्चर, चिकनाई, फाइबर्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और विटामिन काफी मात्रा में मौजूद होता है। इससे शरीर में काफी एनर्जी मिलती है। हरा चना खाने के कई फायदे हैं। इसमें आयरन होने से यह खून की कमी को दूर करता है। विटामिन डी होने से हड्डियों को मजबूत बनाता है। कहा जाता है कि एक हफ्ते में अगर आधी कटोरी हरा चना खा लिया जाए तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, डेली आधी कटोरी हरा चना खाने से हार्ट भी मजबूत होता है और हार्ट डिजीजेस का खतरा ना के बराबर रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इससे घटता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स के होने से हमें यह कई बीमारियों से बचाता है। हरे चने में विटामिन ए के अलावा विटामिन सी भी पाई जाती है। इसके सेवन से आपके शरीर में इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है। इससे सर्दी जुकाम की समस्या कम होती है, साथ ही पेट संबंधी समस्याओं से भी ये बचाता है। पाचन शक्ति मजबूत होती है। यही वजह है कि लोग इसे संदेश के रूप में भी सगे संबंधियों और दोस्तों को देते हैं। अब बात नंबर 3 की। वैसे तो खाने में बिहार के लोग ज्यादातर शाकाहारी भोजन को ही पसंद करते हैं, लेकिन जब मांसाहारी यानी कि नॉनवेज की बात आती है तो लोगों के जहन में चंपारण मीट की खुशबू दौड़ जाती है। जी हाँ, चंपारण मीट इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। चंपारण मीट को आहुना, हांडी मटन या फिर बटलोई के नाम से भी जाना जाता है। नाम से पता चलता है कि इस डिश की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से हुई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी,
सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। फिर मटन को इस पेस्ट के साथ मिलाया जाता है या फिर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे मिश्रण को मिट्टी की हांडी में डाल दिया जाता है और फिर उसे गूथे हुए आटे के साथ सील कर दिया जाता है। हांडी को आग की धीमी आंच पर रखकर मटन को धीरे धीरे पकाया जाता है। पकाने के दौरान उसे लगातार हिलाया डुलाया जाता है और मटन अपने ही जूसेस में पकता रहता है। स्वाद और खाने पकाने का समय मटन की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। इसके बाद फिर इसका स्वाद लिया जाता है। यह बेहतरीन स्वाद के साथ ही काफी सुपाच्य भी होता है। कहा जाता है कि दूसरे मटन की तुलना में यह 2 से 3 घंटे के अंदर पच जाता है। यह भी कहा जाता है कि चंपारण ब्रांड मटन सबसे पहले पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती इलाके घोड़ा हसन में शुरू किया गया था। वहां से यह नेपाल भी चला गया, फिर वहां से मोतिहारी आया। इसके बाद तो यह बिहार की राजधानी पटना में छा गया। आज की तारीख में इसकी पटना में कई दुकानें हैं। खास बात कि यह कोई फूड चेन भी नहीं है। हर दुकान के मालिक अलग अलग है, लेकिन सभी के साइन बोर्ड पर चंपारण मीट हाउस ही लिखा रहता है। उसी के साथ कुछ लोकल शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं। अब तो यह बिहार से बाहर भी बिकने लगा है और पूरे देश में चंपारण मटन को लोग जानने लगे हैं। बात नंबर 2 की। इस लिस्ट पर दूसरे स्थान पर आने वाला फूड है दही चूड़ा। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास ब्रेकफास्ट करने का वक्त तक नहीं होता। कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है। ऐसे में बिहार के फेमस दही चूड़े का कोई जोर नहीं। और तो और यह आसानी से तैयार भी हो जाता है और ब्रेकफास्ट के साथ ही यह कभी कभी दिन के भोजन में भी काम आ जाता है। दही चूड़ा के कई फायदे हैं। यदि आपका पेट खराब है, आप पहले से दस्त या कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो आपके लिए यह बेस्ट है। दही चूड़े के साथ गुड़ मिलाकर खाएं, यह पेट के लिए फायदेमंद होगा। अन्य दिनों में दही चूड़ा में गुड़ की जगह शक्कर भी मिला सकते हैं, लेकिन जब पेट खराब हो तब इसमें शक्कर की जगह गुड़ मिलाएं। यदि इसमें 1 पका केला मिला दें तो दस्त या कब्ज की समस्या से और जल्दी निजात मिल जाती है। चूड़ा के विषय में कहा जाता है कि दही के साथ इसका सेवन करने से आंतों को भी स्वस्थ रखता है। यदि आप अत्यधिक वजन से परेशान हैं तो आप नियमित रूप से दही चूड़ा का सेवन कर सकते हैं। लाभ होगा। गुड़ और दही दोनों ही वजन कम करने में लाभकारी है। दही चूड़े की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरीज भी कम रहते हैं। दोनों के मिश्रण में अच्छी मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। इसके सेवन से एनीमिया जैसी बीमारियों का खतरा भी टल जाता है। कई लोग इसका सेवन शाम में भी करते हैं। वैसे आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसे कभी भी खा सकते हैं। अब बात नंबर 1 की। बिहार के खान पान का जिक्र हो, फेमस फूड की बात हो, तो बेशक सबसे पहले लिट्टी चोखा का नाम जुबान पर आता है। इस लिस्ट में भी यह पहले नंबर पर है। लिट्टी चोखा को ठंड में खाने का अपना अलग मजा है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तभी तो यह बिहार से निकलकर विदेशों तक पहुंच गया है। साल 2020 में दिल्ली में लगे विकास मेला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमने पहुंचे और बिहार के स्टॉल पर उन्होंने विशेष रूप से लिट्टी चोखा की डिमांड की और इसे काफी चाव से खाया। सोशल मीडिया पर इसके टेस्ट का प्रधानमंत्री ने बखान भी किया। आपको मालूम है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार पीके स्टारर आमिर खान समेत कई अभिनेता अभिनेत्रियां बिहार आते हैं तो लिट्टी चोखा खाना नहीं भूलते। बिहार के इस फूड आइटम को बनाना काफी आसान है। इसे खाने के लिए लोग आसानी से इसे कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। बिहार की ये पारंपरिक डिश खाने में जितनी टेस्टी होती है उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी। इसे लोग सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर के लंच और रात के डिनर में कभी भी खा सकते हैं। इसे खाने से आपको एक वक्त का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। और हाँ, यह बनता कैसे है तो यह भी आपको बता ही देते हैं। लिट्टी चोखा आटे, सत्तू, बैंगन और आलू की मदद से बनता है। इसे टमाटर और धनिये की चटनी के साथ सर्व किया जाता है और साथ में इसमें प्याज, खीरे, टमाटर का सलाद भी होता है। तभी तो लोग इसे खाने के बाद बिहार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। धन्यवाद।